हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है कि हम मैट्रिक्स में एक्स वाई ए बी कोई भी अल्फाबेट की वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई ए एंड बी क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम मैट्रिक्स में एक्स वाई या किसी भी अल्फाबेट की वैल्यू को तभी निकाल सकते हैं जब वो इक्वल मैट्रिक्स हो। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप इसको मेरे वीडियो में देख सकते हैं। इसकी लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप इसको पहले इसको देख सकते हैं। पहले आप इक्वल मैट्रिक्स को समझ लीजिए, उसके बाद ये आपको समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे इक्वल मैट्रिक्स में कि इसको चेक करेंगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं। इक्वल मैट्रिक्स को चेक करने के लिए सबसे पहले हमको इसका ऑर्डर पता करना चाहिए। तो आप जैसे इसमें दो देख सकते हैं कि यहाँ पर दो मैट्रिक्स है, तो पहले मैट्रिक्स को हम इसको ए सपोज करेंगे, तो यहाँ पर हम ए लिख देते हैं और इसको हम बी सपोज करेंगे, तो यहाँ पर हम बी इसको मान लेते हैं। तो अब हमको इस सब जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं इसकी पोजीशन को पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स बना रही हूँ, जैसे ये कौन सी प्लेस है, ये इसमें ये है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये ए वन वन हो जाएगा। ये सब ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो इसकी भी लिंक मैं दे दूँगी, ये भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो और ये प्लेस कौन सी है, ये है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा ए वन टू। इस ये रो है और ये कॉलम है, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। और ये कौन सी प्लेस है, ये है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा ए टू वन। और ये कौन सी प्लेस है, ये है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो ये है ए टू टू। सेम इसी तरीके से इस ये भी मैट्रिक्स भी वैसे ही है, ये भी है ए वन वन, ये प्लेस है ए वन टू, ये ए टू वन और ये ए टू टू। तो अब आप देख रहे हैं, अब हम इसका ऑर्डर पता करेंगे। तो इसमें आपको कितनी रो दिख रही है, इसमें हमारे पास दो रो है, तो ये है टू और कॉलम कितना है, दो कॉलम है, तो ये टू इंटू टू का मैट्रिक्स है। अब इसमें भी हमारे पास दो रो है और दो कॉलम है। अब हमको पता चल गया है कि ये इक्वल मैट्रिक्स है, तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम जैसे ये प्लेस है ए वन वन और ये भी ए वन वन है, तो ए वन वन ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो ए वन वन प्लेस पे कौन सा है, ए वन वन, ये भी ए वन वन है, तो इस पे इस ए मैट्रिक्स में ये है एक्स माइनस थ्री, ये किसके इक्वल है, ये टू के इक्वल है। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स और ये थ्री इधर चला जाएगा, तो ये टू प्लस थ्री, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास फाइव आ जाएगी। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी एक्स की वैल्यू पता चल गई है। अब हम इसको निकालेंगे ए वन टू प्लेस में, तो ए वन टू में आपको क्या दिख रहा है, इस तरफ है हमारे पास फोर और इधर क्या है बी प्लस सिक्स, ये दोनों ए वन टू प्लेस हैं। अब इसको भी हम इसी की तरह सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको बी की वैल्यू निकालना है, तो बी तो ये सिक्स इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर माइनस सिक्स और ये हो गया बी, तो बी इक्वल्स टू और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस टू, ये हमारा बी निकल आया। अब सेम ऐसे ही हमको ए टू वन प्लेस पे निकालना है, तो ए टू वन पे क्या है वाई प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो, ये है ए टू वन प्लेस, तो वाई इक्वल्स टू माइनस फाइव, तो ये हमारा y निकल आया। अब हमको निकालना है a22 प्लेस पे, तो a22 प्लेस पे क्या है माइनस टू मैट्रिक्स a में, और मैट्रिक्स b में a22 प्लेस पे क्या है a माइनस
9, तो हम मेरे पास ए की वैल्यू क्या आएगी, ए इक्वल्स टू -2, और ये -9 इधर जाएगा इस तरफ, तो ये +-9 हो जाएगा, तो ए इक्वल्स टू अब -2 +9, तो ये हो गया 7। हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई है। बस सिंपल एक्स वाई ए बी की वैल्यू निकाली जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 आई है, वाई की वैल्यू -5 आई है, ए की वैल्यू 7 आई है और बी की वैल्यू -2 आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय।